और बड़ी खबर सियासी गलियारों से, जहां कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च आज हजारीबाग में निकलेगा। ट्रैक्टर मार्च का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। रैली में सूबे के सभी आला नेता शिरकत करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि इस ट्रैक्टर रैली को एक बड़ा प्रारूप दिया जा सके। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से झारखंड में इस ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियां चल रही थी। बादल पत्रलेख खुद इसकी अगुवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से होने वाली इस ट्रैक्टर रैली को आरपीएन सिंह देखेंगे। कोशिश यही की जा रही है कि ना सिर्फ कार्यकर्ता और ना सिर्फ नेता, बल्कि बड़ी तादाद में आम लोगों को भी इससे जोड़ा जा सके। साथ ही ये बताने की कोशिश कि हम भी इस बिल के खिलाफ किसानों के साथ खड़े हैं। तो वहीं कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस आज हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली निकालेगी, साथ ही किसान सम्मेलन का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं ने जोरदार तैयारी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि बिल पर जारी है कोहराम, हजारीबाग में हल्ला बोल। कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की तरफ से झारखंड के अलग अलग जिलों में विरोध किया जा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस शनिवार को हजारीबाग में प्रदर्शन करेगी। 20 तारीख को परसों हजारीबाग में भी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन किया है, और उसमें किसान रहेंगे। झारखंड से भी एक ताकत लगातार देश के किसानों को हम दे रहे हैं कि इस संघर्ष में झारखंड के किसान, झारखंड की आवाम भी आपके साथ खड़ी है। हजारीबाग में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें राज्य भर से किसानों के आने का दावा किया जा रहा है। ट्रैक्टर रैली के साथ पार्टी किसान सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। इसकी जिम्मेदारी झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को दी गई है। कांग्रेस ने इस रैली की जबरदस्त तैयारी की है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो पहले कई अवसरों पर होर्डिंगों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से इन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि पर अपने आवाज को मुखर करते थे, आज वो भी या तो जनता के समस्याओं पर बोलते नहीं है, एक और जनता के समस्या पर वो बोलते नहीं है, दूसरी ओर कहीं ना कहीं देश और जनता से ज्यादा कमिटमेंट उनकी सरकार और उनकी पार्टी के प्रति रहती है। कांग्रेस ने जहां कृषि बिल के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वही तेल और बढ़ती महंगाई को लेकर भी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। मनीष कुमार, जी मीडिया, रांची।